तुमको पूरा सिखाऊंगा कि किस तरीके से टिकटॉक के अंदर आप लोगों को माय जर्नी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी वर्क करूँगा आप लोग ध्यान से स्क्रीन में देख लेना। तो गाइज यहाँ पे मेरे हाथ में सैमसंग का डिवाइस, इसके अंदर ये वर्क करता है और ये रेडमी नोट 4 के अंदर वर्क नहीं करता है, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अपना जो टिकटॉक अकाउंट है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ या फिर टिकटॉक को ओपन कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने फोटो को कैसे बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को माय जर्नी देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से, इस पर आप लोगों को टैप कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे ही टैप करा तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को एक बटन देखने को मिल रहा होगा, ये वीडियो वाला, इस पर आप लोगों को टैप कर लेना है। अब इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो टैप करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फोटो टेम्पलेट करके एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और ये देख लीजिए बाकी स्मार्टफोन में क्या होता है, 60 सेकंड और 15 सेकंड आ रहा है और फोटो टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जिनके इसमें नहीं आ रहा है वो वीडियो को लास्ट तक देखना, आखिरी में इसके बारे में मैं बताऊंगा, और जिसके इसमें आ रहा है वो कैसे माय जर्नी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर उनको जाना है फोटो टेम्पलेट के ऊपर और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट अ फोटो के ऊपर आप लोगों को टैप करना है। तो मैंने सिलेक्ट फोटो पे जैसे ही टैप करा तो टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों को 5 ही फोटो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, मैं 5 फोटो जो मेरा है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ से हम तीसरा कौन सा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को स्टेप वाइज जो है फोटो सिलेक्ट करना है। आप लोग अगर छोटे से बड़े तक का फोटो वहाँ पे लगा रहे हैं तो सीरियल लगा सकते हैं या फिर बड़े से छोटा लगा सकते हैं, तो इसका आप लोगों को बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 5 फोटो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ओके पे जैसे ही क्लिक करा तो प्रोसेसिंग हो रहा है वीडियो, और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है तो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए ये बन गया है कुछ इस तरीके से। और ऐसा करने के बाद गाइज आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अगर आपके टिकटॉक पर आप लोगों को सेव करना है तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग को पोस्ट कर लेना है या फिर आप लोगों को पब्लिक नहीं करना है तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है प्राइवेट कर देना है। अगर आप लोगों को खुद ये वीडियो देखना है तो प्राइवेट कर लीजिए, या फिर आप लोगों को पब्लिश करना है तो पब्लिश भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी प्राइवेट कर दिया हूँ और यहाँ से पोस्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा, पोस्ट करने से पहले आप लोगों को ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है, सेव टू एल्बम। इसको जैसे ही ऑन कर लेंगे तो क्या है, आपके गैलरी में ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे पोस्ट मैंने जैसे ही करा तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग देख लीजिए ऊपर कंप्लीट होने के बाद ये मेरे गैलरी में सेव हो जाएगा और आप लोग कोई सी भी जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से साउंड को चेंज कर सकते हैं।